डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड दिवर्सिबल सेल इंजरी हमें रिवर्सिबल सेल इंजरी का पता है कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है इन इट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर ड्यू टू नॉन लीथल इंजरी और इसमें जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं दे आर ड्यू टू लीथल इंजरी ये नॉन लीथल इंजरी क्यों है क्योंकि रिवर्स बैक करती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्ट्यूमोला ये वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाती है मगर ये परसिस्ट करती है तो इसलिए ये लीथल इंजरी है और दूसरा ये कि इट रिजल्ट्स इन फर्स्ट द सेल्यूलर स्वाइलिंग and the fatty change, while the irreversible cell injury it results in the cell death. it can be necrosis or the apoptosis. तो ये तो है मेन डिफरेंसेस दोनों के अंदर अब आते हैं कि organelle में जो चेंजेस आती हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है आप जब तक diagrammatic व्यू नहीं देखेंगे तो आपको इस तरह से रटा याद होगा नहीं तो आ जाते हैं डायग्राम्स पे और इसी में हम मेंशन करते हैं ताकि आपको अगर ए सी क्यू में ये आ रहा है तो लिखने में बहुत इजी हो और ड्रॉ करने में भी ये देखें ये नॉर्मल सेल है नॉर्मल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है ठीक है ये नॉर्मल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी ये माइटोकॉन्ड्रिया और भी ज़्यादा स्वाइल करेगा ठीक है सोइलिंग होगी वो सारे मेकेनिज्म मैंने पहले बताए हुए हैं यहाँ पे सिर्फ हम डिफरेंस लिखेंगे कि यहाँ पे स्वेलिंग होगी और वो क्यों होगी वो आप पहले रिवर्सबल सलेंजरी देखें आपको पता चल जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होगी और ये जो आप रेड में देख रहे हैं ये हैं एमॉर्फस डेंसिटीज़ फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज़ ठीक है तो यहाँ पे स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज़ बनती हैं मगर यहाँ पे विद इन द इिवर्सिबल सेल इंजरी देयर आर द लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज़ बनती हैं ठीक है तो यहाँ पे बनेंगी लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज मगर साथ ही साथ इरीवर्सिबल सेल इंजरी में माइटोकोन्डिया की वैक्यूलाइजेशन भी होती है यानी माइटोकोंडिया के अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन भी होती है तो एक तो ये माइट्रोकोंडिया का डिफरेंस हो गया जो कि यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि रिवर्सबल सेल इंजरी के अंदर सोइलिंग है एंड देयर आर द स्मॉल एमॉरफर्स डेंसिटीज वाइल इन द इिवर्सिबल इंजरी देयर इज द वैक्लाइजेशन ऑफ द माइट्रोकोंडिया एंड प्लस द लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज आर देयर ठीक है पहला माइटोकोन्डिया क्लियर हो गया अब उसके बाद आ जाएं आप ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल है विद इन द रिवर्सबल सेल इंजरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा ब्लैब फॉर्मेशन होगी ब्लैब ये ब्लैब्स हैं ब्लैक फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि माइलियन फिगर फॉर्मेशन होती है ठीक है अब मैं ये कहूँगी कि माइलियन फिगर जो हैं ये इिवर्सबल सेल इंजरी के अंदर भी बनते हैं ठीक है ये एक वर्ल्ड मॉसिस होते हैं फॉस्फोलिपिड के या कंसेंट्रिक लेमिनेशन होती हैं ये आप देख रहे हैं मगर डिफरेंस ये होता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर स्मॉल माइल फिगर्स बनती हैं और इन रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर लार्ज माइल फिगर्स बनती हैं ठीक है और दूसरा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे सेल सॉलिंग भी हो रही है और यहाँ पे डिसरप्शन ये आपको जो बॉर्डर दिख रहा है दिस इज़ द डिसरप्शन यहाँ पे डिसरप्शन हो रही है तो आप लिखेंगे विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपने देखा कि ब्लैब फॉर्मेशन हो रही थी ठीक है उसके अलावा सेल की सोइलिंग हो रही थी और स्मॉल माइलेंड फिगर्स बन रहे थे और अगर इरिवर्सिबल इंजरी में देखेंगे तो देयर इज द डिसरप्शन और उसके अलावा लार्ज माइलन फिगर्स आ जाते हैं राइबोसोम या फिर रफ इंडो रेक्टिकुलम पे ठीक है फिगर देख लें ये है रफ इंडो रेक्टिकुलम और ये रफ इंडो रेक्टिकुलम या राइबोसोम नॉर्मल सेल में दिख रहे हैं आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो रफ इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो उसकी स्वाइलिंग हो जाएगी और जो राइबोसोम्स हैं ये डिस्पर्सड हो जाएंगे यहाँ पे देख रहे हैं आपके कि हैं और यहाँ पे डिस्पर्सड हो गए इवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर रफ एंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम रपच्चर हो जाती है और ये राइबोसोम और ज़्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं तो राइबोसोम और रफ एंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो हम लिखेंगे चेंज कि यहाँ पे जो थी देयर इज द सोइलिंग ऑफ रफ इंडो रेक्टिकुलम और यहाँ पे डिस्पर्ज राइबोसोम्स हैं यहाँ पे भी डिस्पर्ज राइबोसोम्स होते हैं मगर यहाँ पे रपच्चर्ड रफ इंडोकलाग्मिक रेक्टिकुलम होती है इसके बाद है लाइसोसोम्स ठीक है ये हो गया तीन चेंजेस इसके बाद आ जाते हैं लाइसोसोम्स पे अब लाइसोजोम्स ये नॉर्मल सेल के हैं और ये रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड दिस इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी यहाँ पे रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर लाइसोजोम्स दे गो द आर्टोफेगी आर्टोफेगी इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज द मतलब आर्टोफेगी में ये होता है कि जो रिडेंडेंट यहाँ पे डैमेज सेल होता है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है जो कि वैक्यूल्स के अंदर होते हैं या किसी तरह पे यहाँ पे मतलब जो है वो सेल की डिस्ट्रक्शन होगी बाय द प्रोसेस ऑफ दी आटोफेगी इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी ठीक है मगर इिवर्सिबल सेल इंजरी में ये होगा कि डिसरप्ट हो जाते हैं लाइसोजोम्स लाइसोजोम्स डिसरप्ट हो जाते हैं और उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ हो सेल का और भी ज़्यादा डैमेज काज करते हैं ठीक है तो लाइसोजोम में आपने लिखा कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके अंदर लाइसोजोम्स देडर गो द आर्ट एगी एंड इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी द लाइसोजोम्स दे आर रपचर्ड ठीक है लाइसोजोम के बाद है साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन ये नॉर्मल है रिवर्सिबल सेल इंजरी में साइटोस्केलेटन विल बी एग्रीगेटेड और इिवर्जल सेल इंजरी में साइटोस्केलेटन डिसरप्टेड हो जाता है यहां पे आप डिफरेंस लिखेंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में द साइटोस्केलेटन इज एग्री गेटेड और इिवर्जल सेल इंजरी में ये है डिसरप्टेड क्योंकि यहाँ पे सिवियरिटी है डैमेज की द लास्ट इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस में ये नॉर्मल है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्रोमेटिन न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल है इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी देर इज़ द क्लंपिंग ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल और इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी यहाँ पे पहले पिकनोस होगी फिर कैरियो होगी हो और उसके बाद कैरियोलाइसिस होगी ये पूरे मैंने मैकेनिज़्म बताए हुए हैं कि ये क्यों होगा मगर यहाँ पे क्योंकि हम डिफ्रेंसेस कर रहे हैं सिंपली यू कैन राइट डेट विद इन द न्यूक्लियस इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी देयर इज द क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमिटन और द न्यूक्लियर मटीरियल ठीक है मगर इन रिवर्जिबल सेल इंजरी में क्या होगा के देर विल बी द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डेट इज द पेक्नोसिस कैरियोहैक्सिस एंड द केरियो एक जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं दे आर ड्यू टू नॉन लीथल इंजरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल सोइलिंग होगी या फैटी चेंज आएगा बट इट कैन रिवर्स बैक टू तो नॉर्मल स्टेट मगर इ रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो ड्यू टू द लीथल इंजरी क्योंकि ये सेल डेथ में जा सकता है रिवर्सिबल सेलेंजरी और नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस काज करेगा इसके बाद ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया में रिवर्सिबल सेलेंजरी में सोइलिंग होगी और स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज बनेगी मगर इरिवर्सिबल सेलेंजरी में वैक्यूलाइजेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की और लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज बनेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्लैप फॉर्मेशन होगी सोइलिंग होगी और स्मॉल माइलिन फिगर्स बनेंगे मगर इरिवर्सिबल में डिसरप्शन हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और लार्ज माइलेंट फिगर बनेंगे राइबोसोम या रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो चेंज आएगा कि यहाँ पे स्वाइलिंग होगी रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की और डिस्पर्शन होंगे राइबोसोम्स यहाँ पे भी डिस्पर्स होते हैं राइबोसोम मगर यहाँ पे रप्चर हो जाता है रफ इंडो प्लाज्मिक का लाइजोजोम में रिवर्सिबल सेल इंजरी में आटोफैगी होगी और इिवर्सिबल सेल इंजरी में रपच्चर होगा एंजाइम्स बाहर आएंगे और ज़्यादा डैमेज खास करेंगे साइटोस्केलेटन में एग्रीगेशन होगी रिवर्सिबल सेल इंजरी में और डिसरप्शन होगी इिवर्सिबल सेल इंजरी में न्यूक्लियस में क्लंपिंग होती है न्यूक्लियर क्रोमेटन की विद इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी मगर इन द इिवर्सिबल सेल इंजरी पिक्नोसिस होगी यानी कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन, उसके बाद कैरियो एक्सिस फ्रेगमेंटेशन होगी और कैरियोलाइसिस फाइनली लॉस हो जाएगा डीएनए और डिसोल्यूशन होगी न्यूक्लियर मटेरियल की सो दिस वाज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड सेल से